हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका क्रिक ट्रैकर के इस नए वीडियो में। आज मैं करने वाला हूँ आप सबकी मदद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले जाने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की 11 विकेट्स फैंटेसी टीम बनाने में, ताकि आप जीत सके बहुत सारे पॉइंट्स और पैसे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा 11 विकेट्स का ऐप, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों ही एंड्रॉयड और iOS के लिए। साथ ही रियल टाइम फैंटेसी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं क्रिक ट्रैकर का टेलीग्राम पेज। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे का ये पहला मैच है, बहुत थ्रिलिंग एनकाउंटर होने वाला है। चलिए टीम की फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। पहले बात करेंगे विकेट कीपर की। मेरी टीम में एक द मैन इन फॉर्म केएल राहुल को मैंने चुना है। बहुत उम्दा प्रदर्शन किया इंडियन टी20 लीग में, ऑरेंज कैप जीता, 670 रन बनाए, बहुत उम्दा फॉर्म में इस समय ये हैं। अभी टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करनी है और साथ में वाइस कैप्टन भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, पर परफॉर्म ये जरूर करके दिखाएंगे। चलिए बल्लेबाजों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच। इंडियन टी20 लीग का सीजन इतना उनके लिए अच्छा नहीं गया, मगर ऑस्ट्रेलियन कलर्स में हर बार परफॉर्म करते हैं, बहुत सालों से हम इन्हें देख रहे हैं। टीम के कप्तान हैं ये, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, एक अच्छा स्टार्ट देना चाहेंगे अपनी टीम को। टीम के दूसरे बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मैं इन्हें अपनी टीम का वाइस कैप्टन भी बना रहा हूं। अभी इंडियन टी20 लीग का सीजन बहुत शानदार रहा उनके लिए, रन बनाए हैदराबाद के लिए। एरन फिंच के साथ एक गजब का एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे सकते हैं, बोलर्स को दिक्कत में डालना बहुत अच्छे से आता है इन्हें। टीम के तीसरे बल्लेबाज है मार्नस लेबुशेन, लास्ट 2 साल में हमने देखा है कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इंग्लैंड का जो लास्ट दौरा था वहां पे फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा था, मगर पोटेंशियल बहुत है इनमें, एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, उमदा परफॉर्म कर सकते हैं इस सिचुएशन में। इसके बाद इंडियन टीम से शिखर धवन को शामिल किया है मैंने अपनी इस लाइनअप में, बहुत सारे रन बनाए इंडियन टी20 लीग में, 2 बेहतरीन शतक बनाए। जब टी20 फॉर्मेट इतना अच्छा खेले थे, ODI तो इनका प्रेफर्ड फॉर्मेट है, वहां पे और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं। इस टीम के आखिरी बल्लेबाज हैं किंग कोहली, मैं उन्हें अपनी टीम का कैप्टन भी बना रहा हूं। ODI फॉर्मेट के कितने शानदार खिलाड़ी हैं हम सबको पता है। इंडियन टी20 लीग का सीजन डिसेंट रहा था, मगर फॉर्म में आ चुके हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनिंग खेल सकते हैं और आपके लिए पॉइंट्स की बारिश कर सकते हैं। चलिए ऑलराउंडर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं नाम लूंगा मार्कस टॉयनेस का, बेहतरीन खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और दिल्ली के लिए भी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अभी इन्होंने इंडियन टी20 लीग में। बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों ही तरीके से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी टीम के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। दूसरे ऑलराउंडर हैं इंडियन टीम से रविंद्र जडेजा। इंडियन टी20 लीग के सीजन में बल्ले से लंबे लंबे हिट्स लगाए, कमाल की बाउंड्रीज हमने देखी, लेकिन बॉलिंग से इतना बढ़िया उनका प्रदर्शन नहीं रहा। यहाँ पे उस चीज़ को चेंज करना चाहेंगे इस टूर पे, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है इंडियन टीम के लिए, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में बहुत उम्दा खेलते हैं, आपके लिए पॉइंट्स की बारिश कर सकते हैं। चलिए बॉलर्स की बात कर लेते हैं। मेरी टीम में 3 बॉलर्स, तीनों ही फास्ट बॉलर्स हैं। सबसे पहले इंडिया के जसप्रीत बुमराह, 27 विकेट निकाले इंडियन टी20 लीग के रीसेंट सीजन में, क्या कमाल की बॉलिंग करी है इनके। अगर यॉर्कर्स यहाँ पर आ गए तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के विकेट्स की लाइन लग जाएगी, बहुत दिक्कत में डाल सकते हैं सामने वाली टीम को। दूसरे हैं मिचेल स्टार्क, इंडियन टी20 लीग में ये खेलते नहीं है, लास्ट हमने इनको इंग्लैंड के दौरे पे देखा था सितंबर अक्टूबर में, वहां पे उमदा परफॉर्म किया था, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी थी, विकेट्स निकाले थे। इकोनॉमी इनकी एक खास चीज है, 6 के नीचे इकोनॉमी को रखते हैं, बल्लेबाजों को सेटल नहीं होने देते, रन नहीं बनाने देते। तीसरे हैं मोहम्मद शमी, इस समय ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, कमाल की बॉलिंग करी है, कई सारे विकेट्स निकाले हैं। सबसे बढ़िया चीज पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग ये भी करते हैं, वहां पे शुरुआती झटके देने में ये एक एक्सपर्ट है, आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं। यहां पे 11 विकेट्स आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है टीम में 12th मैन चुनने का। मेरी टीम के 12th मैन है हार्दिक पांड्या। कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस की बात करते हैं तो वहाँ एरन फिंच है, मार्कस टॉयनेस और जसप्रीत बुमराह भी आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप टीम पे नजर डालेंगे तो सभी के सभी खिलाड़ी मैच विनर्स हैं, सबका फॉर्म बहुत उमदा चल रहा है, ये यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और आप जीत सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स और पैसे। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा 11 विकेट्स का ऐप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, दोनों ही एंड्रॉयड और iOS के। साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स में मुझे अपनी फैंटेसी टीम बताएं, और अगर अभी तक आपने क्रिक ट्रैकर को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। थैंक यू।